गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ के सब्जेक्ट SSHST सेक्शन ज्योग्राफी के चैप्टर थर्ड को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। टुडे विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है इसका हम जान कोशिश करेंगे। टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक क्षेत्र के नदी प्रणाली के बारे में ड्रेनेज से पता चलता है। जल प्रवाह प्रणाली जिसको नदी के रूप में हम देख सकते हैं कि क्षेत्र में जो नदी बहती है। सो मैनी स्ट्रीम्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ रिवर। बहुत सारी धाराएं, पतली पतली धाराएं आकर मिलकर एक नदी बनती है और इसे नदी बाद में अपने क्षेत्रों से क्षेत्र को सिंचाई करती हुई अंत में दे मीट टू द सी, समुद्र में जाकर मिल जाती है। द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर इज नोन एज रिवर ड्रेनेज बेसिन। एक नदी के द्वारा सिंचित क्षेत्र को ड्रेनेज बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी एक नदी के द्वारा जितने क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है उसको ड्रेनेज बेसिन के नाम से जाना जाता है। नाउ इट्स नो टू व्हाट इज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड कोई पहाड़ी क्षेत्र या माउंटेन एरिया है। इसके दो तरफ से जो दो धाराएं बह रही हैं, जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक धारा इधर से बह रही है, दूसरी धारा ये बह रही है, बीच में जो स्थान है इसको वाटर डिवाइड के नाम से जाना जाता है। नाउ डिस्कस अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। द ड्रेनेज भारत में जल प्रवाह प्रणाली के बारे में कैसे काम करती है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाई द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत जो स्ट्रक्चरल लैंड स्ट्रक्चर है उसके आधार पर जल निकास प्रणाली जो है भारत में नदियों का प्रवाह जो है प्रभावित होता है। मुख्य रूप से माउंटेन प्लेटू, इसके अंतर्गत बहुत सारे आ जाते हैं, माउंटेन प्लेटू, रिवर वैली, बहुत सारे जो आ जाती हैं रिलीफ फीचर के अंतर्गत, इससे हमारा प्रभावित होता है। द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। भारतीय नदियां जो दो भागों में बांटी गई हैं, द रिवर फ्रॉम हिमालयन रिवर एंड द सेकंड इज ए पेनिनसुलर रिवर। हिमालय से नदी निकलने वाली नदियाँ और दूसरी हो जाती हैं दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। द हिमालयन रिवर द मोस्ट ऑफ द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वे। तो भारत में खास करके हिमालय क्षेत्र से नदियाँ निकलती हैं और पेनिनसुलर क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें सबसे बड़ा अंतर ये हो जाता है। द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। इनमें पेरेनियल का मतलब है इसमें सालों भर पानी रहता है इन नदियों में और ये एक लंबे समय तक बहती रहती हैं और उन क्षेत्रों से गुजरती हैं जहाँ वर्षा होते रहती है, इसलिए इस नदियों में पानी रहता है। या जब वर्षा नहीं होती उस स्थिति में पहाड़ी क्षेत्रों से खासकर हिमालय से निकलने के कारण इन नदियों में पानी बराबर बना रहता है, बर्फ पिघलते रहती है और पानी मिलते रहता है। तो सबसे दो मुख्य नदी जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम हम ले सकते हैं, ये दो हमारी नदियाँ हो जाती है। हिमालय रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द ऋषि एंड दे इरोड माउंटेन एरियाज। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों से नदी जब गुजरती है तो कटाव होता है, तो इसमें कटाव के कारण दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड, इस तरह की संरचना बनती है, दिस इज नोन एज गॉर्ज। इसमें क्या होता है पहाड़ी क्षेत्र में ऊंची साइड की जो हार्ड चट्टान है खड़ी जा जाती है और सॉफ्ट चट्टान कट जाती है, बीच में ऐसे लो नैरो डीप वैली बन जाती है, तंग घाटी बन जाती है, इसी को नैरो वैली को ही गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह हम लोग भारत में बहुत सारे गॉर्ज हमें देखने को मिलते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रीजनल एक्टिविटी ऑफ द रिवर। नदी जब यहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है तो अपने साथ बहुत तेजी से निकलती है, तो उसके साथ बहुत सारी सिल्ट, सैंड और स्टोन्स कटाव कारण, बहुत तेजी धारा कारण कटाव होकर निकलता है। तो ये साथ में नदी अपने साथ लेकर चलती है और मिडिल कोर्स में आती है तो थोड़ा नदी का फैलाव होता है। इस टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए ये नदी आगे बढ़ती है और इस तरह जब इसकी धारा बदल जाती है, जिसे आप ये सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड व्हेन रिवर चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, नदी अपने दिशा बदल देती है, तो इस तरह की संरचना बन जाती है। इसमें हम लोग देख सकते हैं जब यहाँ जैसे नदी यहाँ बह रही थी ऐसे, तो ये यहाँ पर मिट्टी जमा हो जाने के कारण ये धारा इधर बदल गई और जो स्ट्रक्चर बन जाता है ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है। नदी टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए जो मैदानी क्षेत्र में आती है उसकी धारा उसके क्षेत्र
फैल जाता है, तो अपने साथ जो भारी चीज़ें लाई जाती किनारों पर जमा करते जाती है, और अंत में जब धारा उसकी कमज़ोर हो जाती है समुद्र से मिलने के कुछ दूरी के पहले ही नदी जो अपने साथ लाई हुई चीज़ों को धीरे धीरे जमा करना शुरू कर देती है। एंड सो मैनी सैंड एंड सिल्ट डिपोजिटेड ऑन द रिवर फ्रंट एंड दिस मेक द डेल्टा। ऐसे क्या होता है, नदी अपने साथ जो लाई हुई बहुत सी चीज़ें होती है अब जमा करना शुरू कर देती है, और उससे क्या होता है ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है, अपने साथ मिट्टी और जो सिल्ट है जो उपजाऊ चीज़ लाकर बिछाना शुरू कर देती है, और उसकी धारा पतली पतली धाराओं में हो करके ये जाकर अंत में समुद्र में ये ओशन में जाकर मिल जाती है। ये क्षेत्र जो बनता है जो आप देख रहे हैं ये डेल्टा का नाम जाता है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। भारत में जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा बहुत ही बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा माना जाता है, ये बहुत बड़ा डेल्टा है। इस तरह हम लोग गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो बनाएगा डेल्टा है बहुत उपजाऊ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाता है। इन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न। थैंक यू।